आज मैं आपको काफी बढ़िया हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना बता रही हूँ। इसके लिए बिल्कुल कम तेल का हम यूज करेंगे, इसे बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करेंगे और काफी सारी सब्जी को इसमें यूज करेंगे। इसके लिए खाने के लिए सबसे पहले हम चटनी बना रहे हैं। मैंने मिक्सी का ये जार लिया है, इसी के अंदर दो टमाटर मीडियम साइज के मैंने काट के तैयार कर लिए। मैंने देसी वाले टमाटर का यूज करा है जो थोड़े से खट्टे रहते हैं। इसी के अंदर मैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, जो इसके नरम डंडी रहती है इस तरह से, मैंने उसका भी यूज करा है। इसी के अंदर मैं 10 कली लहसुन की डाल रही हूँ। आप चाहे तो लहसुन की जो पत्ती आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं आधा छोटे चम्मच जीरा डाल रही हूँ, आधा चम्मच इसी के अंदर मैं ये शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर से जो टमाटर का खट्टापन है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, चटनी जो हमारी काफी टेस्टी बनेगी। इसी के अंदर मैं ये एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने हिसाब से डालिए। आधा चम्मच नींबू का रस, इससे चटनी का जो कलर है काफी बढ़िया आएगा। अगर आपको इसमें अदरक का टेस्ट पसंद है तो आधा इंच अदरक का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं आप। इसे हम बिना पानी के ग्राइंड कर लेंगे। काफी बढ़िया हमारी चटनी पिस गई है, काफी अच्छे से इसमें खुशबू आ रही है। देखिए, थोड़ा सा मैंने दरदरा पीसा, एकदम फाइन नहीं पीसा है। आप चाहे तो इसे बारीक पीस के भी बना सकते हैं और इस तरह से दरदरा भी बना सकते हैं। नाश्ता बनाना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है और चार ये उबले हुए आलू लिए। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू अच्छे से आपके ठंडे रहना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने एक मीडियम साइज की शिमला मिर्ची ली थी, इसे बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसी के अंदर बिल्कुल बारीक कटा हुआ ये पत्ता को भी डाल रही हूँ। एक कप और दो कप इसमें पत्ता गोभी का यूज कर रही हूँ मैं। मैंने मीडियम साइज की दो गाजर ली है, इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक ही मैंने कट करा है। मैंने दो प्याज लिए, इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक ही चॉप करा है। इस नाश्ते को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर मैं मेथी की भाजी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो पालक की भाजी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे मैंने अच्छे से धोकर पूरा इसका पानी जो एक्स्ट्रा था उसे पूरा कपड़े में डालकर सुखा लिया था। मेथी की भाजी में थोड़ी सी ज्यादा डाल रही हूँ, मैंने दो कप ये मेथी की भाजी डाली है। मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली, एक कप। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो इसकी डंडी रहती है थोड़ी सी पतली वाली, उसे भी मैंने साथ में कट कर लिया था, वो भी हमारे लिए फायदा करती है। इसे और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर मैंने अदरक और हरी मिर्ची का दरदरा पेस्ट लिया है। तीन हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा। इसी के अंदर मैं एक चम्मच ये जीरा डाल रही हूँ, दो चम्मच तिल्ली। तिल्ली हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहती है, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम रहता है। इसके अंदर अब मैं नमक डाल रही हूँ। सब्जियां आपको भी काफी ज्यादा दिख रही है, लेकिन जब हम नमक डाल के इसे थोड़ा सा मसलेंगे तो सब्जियां जो है थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए नमक आप थोड़ा सा कम हाथ से ही डालिए। इसी के अंदर कलर के लिए मैं हल्दी डाल रही हूँ, आधा चम्मच से भी कम ली मैंने हल्दी। एक चम्मच इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्ची का यूज करूँ। मिर्ची में ज्यादा इसमें नहीं डाल रही क्योंकि मैंने हरी मिर्ची को भी डाला है। इसी के अंदर खट्टेपन के लिए मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, आधा नींबू का रस इसमें आप डाल दीजिए। इन सारी चीजों को हाथों से आप मिक्स कर लीजिए। हाथों से थोड़ा सा इसे मसलते हुए आपको मिक्स करना है ताकि सारी सब्जियां अपना जो पानी है वो रिलीज कर दें, क्योंकि इसके अंदर पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको इसे मसलना है थोड़ा सा ताकत लगा के। देखिए, सारी सब्जियां गीली होने लगी है, ये देखिए इसमें पानी आने लगा है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफी बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। इस तरीके से अगर आप बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बना के खिलाएंगे तो आप काफी सारी सब्जियां एक साथ खा सकते हैं। देखिए, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसके लिए बाइंडिंग के लिए हमें कोई ना कोई चीज चाहिए। आप चाहें तो बेसन का यूज कर लीजिए, मैं इसके अंदर ये मक्के का आटे का यूज कर रही हूँ। देखिए, मक्का का आटा जो है काफी बढ़िया रहता है, हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद रहता है। बेसन की जगह आप मक्के का यूज कीजिए, काफी बढ़िया टेस्टी आएगा, इसका जो स्वाद है काफी बढ़िया लगेगा।
आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन के साथ फिर आपको थोड़ा सा सूजी या फिर चावल का आटे को मिक्स करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके अंदर मक्के का आटा यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी एक कप मक्के का आटा डाला है, इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं कि हमें बाइंडिंग के लिए कितनी ज़रूरत है। एकदम कम भी नहीं मिलाना है हमें और एकदम ज़्यादा भी नहीं मिलाना। देखिए अभी भी थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है, इसके अंदर मैं एक कप और मक्के का आटा डालूंगी। मैंने एक कप ही आटा और डाल दिया है, इसे भी इसी तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैंने 1/4 कप मक्का का आटा और मिलाया था, मतलब 2 कप मैंने पहले डाल दिया था, 1/4 कप बाद में डाला था। आप सब्जियां कितनी ले रही हैं, आपकी सब्जियों ने कितना पानी छोड़ा, आपकी सब्जी अगर फ्रेश है उसमें थोड़ा सा मक्का का आटा आपको ज़्यादा लगेगा, अगर 1 से 2 दिन पुराना है तो थोड़ा सा आपको उसके अंदर मक्का का आटा कम लगेगा। ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए इस तरह से आपका अच्छे से बाइंड हो जाना चाहिए। मैंने हाथ को तेल लगा के ग्रीस कर लिया है, बस इसके हम छोटे साइज के बनाएंगे। इसे गोल कर लीजिए, थोड़ा सा इसे पतला करेंगे, ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे। बस इसी तरह से मैं सारी बना के तैयार कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से एक बार के मैंने बना के तैयार कर ली। इसी के ऊपर मैं एक एक कॉर्न के दाने लगा रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास अगर रखे हैं तो लगाइए, नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अंदर तक थोड़ा सा इसे प्रेस कर दीजिए। मैंने गैस पे तवा गरम करने के लिए रखा है, लो और मीडियम फ्लेम पे। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, बहुत तेल की हमें जरूरत नहीं है। नाश्ते के मैंने सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच तेल डाला है। जो हमने टिकिया जैसी बनाई है उसे हम इस पर रख देंगे, थोड़ा सा दूर दूर ही रखिए आप। गैस को आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, बस लो और मीडियम फ्लेम पे ही इसे आप अच्छे से पकने दीजिए, जब तक इसका एक साइड से कलर चेंज नहीं हो जाता। यहां से देखने पे इसका हल्का हल्का कलर चेंज दिख रहा है, इसी पर मैं पलट कर चेक कर लेती हूँ। कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। इसी तरह से हम इसका कलर चेंज हो गया, बस उसे ही आप पलटिए। बिल्कुल कम तेल में हमारा ये बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से मैं सारी अच्छे से पलट दूंगी। दूसरे साइड से भी इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी करना है। इसमें काफी सारी जगह हो गई थी, मैंने 4-5 टिकिया और रख दिए। इसे हम पलट के देख लेते हैं। इधर से भी काफी बढ़िया कलर आ चुका, कॉर्न भी हमारा अच्छे से सिक के फूल गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। आपको मैं इसे पास से दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है। काफी अच्छे से ये सिक भी गई है, कच्चा पन भी बिल्कुल भी नहीं है, और ये ऊपर की जो इसकी लेयर है काफी क्रिस्पी हो गई है। कितनी बढ़िया हमारी बनके तैयार हुई। सर्दियों के मौसम में गरम गरम खाने का इसका मजा ही कुछ और है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बनी, खुशबू भी इसमें से काफी बढ़िया आ रही, क्योंकि इसके अंदर हमने मेथी की भाजी का यूज करा। मेथी की भाजी और मक्का काटा का कॉम्बिनेशन जो काफी बढ़िया लगता है, साथ में हमारी कम तीखी चटनी। इसे आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर है, ऊपर की आप लेयर देख सकते हैं काफी क्रिस्पी है। इसे तोड़ने पर अंदर से एकदम सॉफ्ट, ये देखिए काफी ज्यादा गर्म है अभी। ये देखिए कितनी बढ़िया है, सॉफ्ट भी है, अंदर से सॉफ्ट रहेगी ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी रहेगी। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से काफ़ी सारी सब्जी को यूज़ करके मैंने आपको ये बनाना बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।